हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे मास्टरी बुक की समरी। इस बुक की समरी को सुनकर आप जिंदगी के हर क्षेत्र में मास्टरी हासिल कीजिए, दूसरों से हमेशा दो कदम आगे रहिए। चैप्टर 1, फाइंड योर इनर कॉलिंग एंड टैलेंट। सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा काम करके खुशी मिलती है और आप में कौन सा टैलेंट है। आजकल सब लोग दूसरों की देखा देखी काम करते हैं। स्टूडेंट्स अपना गोल भी दूसरों को देखकर बनाते हैं। अगर किसी रिलेटिव का बेटा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वही रख लेंगे। अगर दूसरे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी उसके पीछे भागने लगेंगे। पेरेंट्स के दबाव में भी बच्चे ऐसा करते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनका मैथ्स या बायोलॉजी में इंटरेस्ट है भी या नहीं, लिहाजा आगे चलकर उनसे वे इंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाते और फिर वे बोरिंग सी कॉलेज डिग्री में फंस जाते हैं। हो सकता है वे हिंदी पढ़ते तो बहुत अच्छी कविता कहानी और उपन्यास लिखते, या उनका इंटरेस्ट कुकिंग में हो तो वो बहुत अच्छे शेफ बनकर लाखों कमाते। तो इस तरह अगर किसी भी चीज़ का मास्टर बनना है तो वह चीज़ करें जिसमें आपको टैलेंट हो, जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो। अगर आप दूसरों की देखा देखी कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और उसे करना ही छोड़ देंगे। इसके विपरीत अगर आप अपनी खुशी का काम करते हैं तो आप उसे सालों साल करते जाएंगे और इस तरह से आप उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे। 2, लर्निंग मैटर्स मोर देन शॉर्ट टर्म सक्सेस। बहुत से लोग जब कोई काम करते हैं तो उसमें तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता तो वे उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। इस तरह वे जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। जैसे कोई आदमी अगर ब्लॉग शुरू करता है तो चाहता है कि 3 या 6 महीने में ही उसे पॉजिटिव इनकम मिलने लगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। 1-2 साल तो लर्निंग में ही लग जाते, 6 महीने में तो ब्लॉग रैंक भी नहीं करता। गूगल उसे सैंडबॉक्स में रख देता है। वो यह देखता है कि यह व्यक्ति कहीं ब्लॉग जल्दी से छोड़ तो नहीं देगा। अगर वो छोड़कर भाग जाता है तो ऐसे ब्लॉग को गूगल रैंक ही क्यों करेगा, क्योंकि इससे उसके रीडर्स को बाद में वही ब्लॉग नहीं मिलेगा और यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा। इसलिए शुरू में लर्न करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अर्न करने पर। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं लेकिन उन्हें बहुत खामियाजा भोगना पड़ता है। जैसे ब्लैक हैट SEO करके गलत बैकलाइन बना लेते हैं, लेकिन जल्दी गूगल की पेनल्टी भी लग जाती है और उनका ट्रैफिक नीचे चला जाता है। इसलिए शुरू में ब्लॉगिंग से जुड़ी हर चीज़ सीखिए। अगर आप आज अमरूद का पेड़ लगाते हो तो क्या 3 महीने में ही फल तोड़ने लग जाओगे? 1-2 साल तक तो उसकी ग्रोथ में ही लग जाते हैं। इसी तरह ब्लॉग होता है, उसे ग्रो होने में आज की तारीख में 1 या 2 साल का वक्त लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन एक बार जब ब्लॉग अर्न करने लगता है तो सारी ज़िंदगी आपको देता रहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म की सोचें, ना कि शॉर्ट टर्म की। ऐसा करने से आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। 3, फाइंड अ मेंटर। सक्सेस पाने के लिए लाइफ में एक मेंटर होना ही चाहिए। बहुत से स्पोर्ट पर्सन हमेशा कोच रखते हैं। कोच उनसे अच्छा खिलाड़ी नहीं होता, लेकिन वह उनमें एक डिसिप्लिन डाल देता है। उन्हें रोज एक निश्चित समय में ग्राउंड में ही बुलाता है। वह निश्चित टाइम के लिए उन्हें प्रैक्टिस करवाता है। ऐसा सालों साल चलता रहता है। इससे एक नियम बन जाता है और वे प्लेयर्स अपने स्पोर्ट में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको बिजनेस चलाना हो तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार आपके टीचर्स भी आपके मेंटर बन जाते हैं। मेंटर का महत्व समझने के लिए राइटर ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल दिया है। अलेक्जेंडर के मेंटर का नाम था अरिस्टॉटल था, जो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को ऐसी चीज़ें सिखाई जिससे अलेक्जेंडर के अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ सका। उसे ज्योग्राफी का ज्ञान दिया, युद्ध कला सिखाई, अच्छे शासक की फिलॉसफी बताई और इस तरह अलेक्जेंडर ने बहुत कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। इसलिए आप भी लाइफ में कोई अच्छा मेंटर ढूंढने की कोशिश कीजिए। 4, थिंक इनोवेटिव वे टू लिव लाइफ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? समाज ने कुछ रूल बना दिए हैं और हम आँख बंद करके उन्हें फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे पैदा होने के बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एक जॉब लो, फिर शादी करो और बच्चे पैदा करो और एक दिन दुनिया को बाय बाय करके चले जाओ। क्या ज़िंदगी इसी को बोलते हैं? राइटर कहता है कि हमें ऐसे घिसे पिटे रूल से नहीं बनना चाहिए। हमेशा जीने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट को देखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट का मतलब सिर्फ पेंटिंग, राइटिंग, पोइट्री, सिंगिंग आदि नहीं है। आपने देखा होगा आजकल कितने लोग चाय की फ्रेंचाइज लगाकर ही इतने अमीर हो गए हैं। उन्होंने असली फ्रीडम हासिल कर ली है, मिडिल क्लास लाइफ से भी और टाइम से भी। उन्होंने 9-to-5 वाली जॉब की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहे जहाँ चाहे काम कर सकते हैं। इसलिए आप भी किसी नए आइडिया पर काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही सफल हो जाए, बल्कि 40-50 की उम्र में भी अगर कुछ नया कर सको तो अच्छा है। कुछ भी नया करने की उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में नई हॉबी शुरू कर सकते हैं, जैसे गिटार सीखना, घुड़सवारी, स्विमिंग सीखना आदि। छोटी से छोटी इनोवेशन भी आपकी ज़िंदगी को नया मीनिंग दे देगी, इसलिए इस पर ज़रूर सोचें। 5, चिल्ड्रंस आर प्रॉब्लम सॉल्वर। बच्चों का दिमाग काफ़ी एक्टिव होता है। वे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन क्वेश्चन से तंग आकर उनका जवाब नहीं देते, वरना बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। साथ ही बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वे हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें कोई खिलौना दीजिए और वे उसे तोड़ फोड़ कर एक देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर है क्या।
वो काम कैसे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी के रूल्स पर चलने लगते हैं, हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना ही छोड़ देते हैं, हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। जैसे कोई आदमी एक बोरिंग जॉब कर रहा है तो वो उसे करता ही चला जाएगा, बेशक उसमें एक्टिंग का टैलेंट हो तो वो भी ज़्यादा ट्राई नहीं करेगा क्योंकि उसे ये रिस्क लगता है। लेकिन बिना रिस्क लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और सवाल पूछते रहिए, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से, एक ना एक दिन उनके उत्तर मिल ही जाएंगे। चैप्टर 6, ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सकता है अगर आप ठीक से सोचेंगे तो। बहुत से लोगों ने कोविड क्राइसिस में जॉब खो दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे में नए स्टार्टअप भी लगा दी थी। एक लड़के ने बिना एक भी पोस्ट लिखे ब्लॉग लगा दिया था। सबसे पहले उसने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, जिससे उसने डोमेन और होस्टिंग खरीद दी। फिर फाइवर से एक कॉन्टैक्ट राइटर को हायर करके ब्लॉग पोस्ट लिखवाई, फिर एक्सपर्ट से SEO भी करवाया। एक ही साल में उसका ब्लॉग 1 लाख पर मंथ कमाने लगा। उसने अपना लोन भी चुका दिया और अब अच्छी खासी इनकम होती है। तो दोस्तों, यह एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए जितना हो सके अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सोचने लगता है और यह थिंकिंग ही दिमाग को ट्रेन करती है, उसे मजबूत बनाती है। कुछ लोग यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं लेकिन उनसे हमारे दिमाग की ट्रेनिंग नहीं हो पाती क्योंकि उनमें से हम कुछ भी इनोवेटिव नहीं कर पाते, सब कुछ पका पकाया मिल जाता है। इसलिए रोज़ाना एक सेल्फ हेल्प बुक की समरी सुनिए या पढ़िए, इसमें 10 मिनट ही लगते हैं। यूरोप के लोग सबसे आगे इसलिए हैं क्योंकि उनमें पढ़ने की आदत होती है, हमेशा उनके हाथ में आपको कोई ना कोई किताब दिख जाएगी। लेकिन ऐसा इंडियन में नहीं पाया जाता। अगर आप पूरी किताब नहीं सुन सकते या पढ़ सकते तो कम से कम समरी ही सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, मोटिवेट रहेगा और नया ज्ञान भी मिलेगा। चैप्टर 7, टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं लेकिन कुछ लोग उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, दूसरे चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं। राइटर कहता है कि हमें कभी भी इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए बल्कि शांत दिमाग से लॉजिकल तरीके से सोचना चाहिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें इन 3 एरियाज़ में होती हैं। 1, वर्कप्लेस प्रॉब्लम्स, जैसे आपके कॉलेज से झगड़ा करना। 2, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जैसे रिलेटिव्स के साथ कुछ लड़ाई हो या पार्टनर से भी ना बनना। 3, पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे कोई बीमारी या आर्थिक प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक प्रभावी तकनीक दी गई है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एक कागज़ पर लिखिए, फिर उसके जितने भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आते हैं उन्हें लिख लीजिए। 3, अब देखिए कि किन सॉल्यूशन में आप इमोशनल हो रहे हैं या गुस्से में लिखे गए हैं, उन्हें काट दीजिए। 4, जो सॉल्यूशन बच जाते हैं उनमें बेस्ट कौन सा है। 5, अब बेस्ट सॉल्यूशन को लेकर एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका किसी कलीग से झगड़ा हो गया तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपका लगातार उसके बारे में सोचते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा, ना ही बदला लेना कोई सॉल्यूशन है। ये एक इमोशन और गलत डिसीजन होगा। इसके बजाय अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दें, अगर दूसरे की गलती है तो उसे लॉजिकल बात करें। जैसे इसमें मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, हमें वर्कप्लेस पर लाइफ बितानी है तो क्या इस तरह का माहौल होना चाहिए। बात करने से काफ़ी हद तक दोनों की टेंशन ख़त्म होगी और अंत में एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करें, इससे आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस बनी रहेगी। दोस्तों, मास्टरी बुक की समरी सुनकर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये समरी कैसी लगी। थैंक यू।